हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ स्टैम्पिंग टूल जो कि मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है उसकी अनबॉक्सिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देख सकते हैं, मुझे ये फ्री मिला है। इट्स अ क्लियर स्टैम्प और इट्स में लिखा हुआ है टोकन ऑफ लव, जो कि मुझे बिल्कुल फ्री मिला है। मैं इसको अब ओपन करके दिखाती हूँ। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू। आप देख सकते हैं ये कैसे है। ये कुछ स्टिकॉन्स टाइप के होते हैं जिसको आप उतार के अपनी पेंटिंग पे चिपका सकते हैं एंड यू कैन यूज़ द इंक ऑल्सो। मैं इसका पूरा प्रोसेस आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी कि मैंने इसको कैसे यूज़ करके एक बहुत ही सुंदर सी वाली आर्ट बनाई है जिस पे मैंने ये क्लियर स्टैम्प भी यूज़ किए हैं। बॉक्स के बाद आप ये देख सकते हैं कि कितनी अच्छी रैपिंग में आया हुआ है। ये बहुत ही अच्छा बबल रैप से पैक्ड हो रखा है। मुझे इसकी पैकिंग बहुत अच्छी लगी क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से इसको पैक किया हुआ था और मुझे काफ़ी टाइम लगा इसको ओपन करने में क्योंकि बहुत अच्छे से पैक्ड था। और वैसे मुझे ये देखने में बहुत अमेजिंग भी लग रहा है बिकॉज़ मुझे लग रहा है शायद कोई बैग है इसके अंदर। और लेट्स सी क्या है। मैं इसको बहुत अच्छे से ओपन करने में लगी हुई हूँ, बट मुझे पैकिंग बहुत अच्छी लगी इसकी कि बहुत अच्छे से बबल रैप कर रखा है। और आई थिंक इसके बाद एक पॉलीथीन से फिर इसको रैप कर रखा है। मतलब पैकिंग इतनी अच्छी है कि आपका प्रोडक्ट ख़राब नहीं होए, ना ही वो टूटे। तो मैं इस पन्नी को भी खोलती हूँ एंड आई थिंक इट्स अ बैग और शायद इसके अंदर हमारा वो स्टैम्पिंग टूल होगा। गाइस, आप देख सकते हैं ये बैग कितना सुंदर है। और इसके अंदर, जैसे कि मैंने आपको बोला था, इसी के अंदर हमारा ये स्टैम्पिंग ये बहुत अच्छा टूल है जो क्लियर स्टैम्प यूज़ करते हैं उनके लिए। और ये बैग भी बहुत सुंदर है और आई थिंक इसके अंदर अगर आप अपना सामान रखोगे तो टूटेगा भी नहीं। और अगेन ये बबल रैप अच्छे से हो रखा है इसके ऊपर। आई थिंक इस बबल रैप के बाद एक और पॉलीथिन से अच्छे से रैप हो रखा है। और मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। ये बहुत अच्छा सा लग रहा है मुझे और इसका साइज़ भी बहुत बड़ा है, A4 है पूरा साइज़। ये देखिए कितना सुंदर है ये। इसके ऊपर का जो ये कवर प्लास्टिक है ये काफ़ी थिक है और मुझे लगता है कि आसानी से टूटेगा नहीं। और इसके साथ आप देख सकते हैं मैग्नेट्स मिली हैं जो इस बोर्ड पे बहुत अच्छे से चिपक रहे हैं। आप इन 4 मैग्नेट को यूज़ करके बहुत अच्छे से अपनी पेंटिंग को अच्छे से बोर्ड के साथ चिपका सकते हैं ताकि आपकी पेंटिंग, जो भी आपका पेज है, वो हिले ना। और आप देख सकते हैं इसके साथ मुझे ये शीट्स मिली हैं जो कि ग्रिड शीट्स हैं, मेजरमेंट के लिए है। और आई थिंक ये 5 शीट्स आपको दे रखी है। इसके साथ साथ आपको एक फॉर्म शीट भी मिलती है सो दैट आप प्रेस करो तो अच्छे से प्रेसिंग हो जाए। और इसको आप इसके ऊपर रख सकते हैं एंड आप देख सकते हो इसके नीचे एक अच्छा सा फॉर्म शीट अटैच्ड है जो कि, और 3 लूप्स भी दे रखे हैं ताकि ये ऊपर का कवर अच्छे से उसके साथ जुड़ा रहे। और साइड में ग्रिड्स हैं ताकि स्केल है प्रॉपर, ताकि आपको मेजरमेंट में दिक्कत ना हो। और ये स्लिप भी नहीं होएगा क्योंकि इसके पीछे जो ये फॉर्म शीट है ये इसको स्लिप होने से रोकेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द आर्ट वर्क। और जो मैं पेंटिंग बनाने जा रही हूँ वो हम स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसके ऊपर एक A4 साइज़ की शीट रख रही हूँ, ठीक है। और मैंने इसको चारों कॉर्नर से अच्छे से फिक्स कर दिया है। फिर इसके ऊपर मैं 4 मैग्नेट्स जो कि हमें मिली थी वो इसके कॉर्नर में रख रही हूँ ताकि जो हमारी शीट है वो हिले नहीं। और मैंने इसको बहुत अच्छे से बॉक्स के अंदर रखा है। शीट आपकी बिल्कुल भी बाहर नहीं होनी चाहिए, अच्छे से अंदर फिक्स हो। अब मैं वही वाला वॉली क्लियर स्टैम्प जो हमें इसके साथ फ्री मिला था वो यूज़ करके पेंटिंग बनाऊंगी। आपको क्या करना है, ये जो स्टिकर्स हैं आपको निकाल के इसमें उल्टा रखना है, ठीक है। सो दैट जब आप कवर उस पर रखोगे तो वो उस पर चिपक जाएगा। इसलिए जो भी ड्राइंग आपको जहाँ पर भी चाहिए कि मुझे यहाँ पे ऐसे प्रिंट चाहिए, तो आप वहाँ पे अपनी चीज़ें, जो स्टैम्प आपको जो इमेज चाहिए वो आप वहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। मैं जितने भी मिर्चे यहाँ पे क्लियर स्टैम्प मिले थे मैंने उनको यूज़ कर रही हूँ अपनी पेंटिंग को बनाने के लिए जैसा मैं चाहती हूँ। मैंने ये सारा निकाल के क्लियर स्टैम्प अपनी शीट पे अरेंज किया है जो इमेज मुझे जैसी चाहिए वहाँ पे। गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक इट। और आप बिल्कुल एंड में देखोगे कि जो पेंटिंग है वो कितनी अच्छी निकल के आई है। और मैं इस स्टैम्पिंग टूल के साथ अपने बहुत सारे ट्यूटोरियल भी आगे बनाऊंगी एंड आई होप यू विल लाइक इट। और यहाँ पे देखो मैंने धीरे धीरे जितनी भी मेरे को स्टैम्प मिले थे मैंने सारे लगा लिए। कवर के साथ मैंने अब इसको सारा प्रेस कर दिया है, ठीक है। सो दैट ये सारे जो स्टिकर्स हैं, ये हमारे क्लियर स्टैम्प, ये हमारी बोर्ड पर चिपक गए हैं। यू कैन सी दिस, ये देखो। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है इंक यूज़ करना। ये मैंने इट्सी बिट्सी से ऑर्डर किया था और इसका रिव्यू भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अब मैंने बहुत अच्छे से सारे पे इंक लगा दी है और अब मैं इसको प्रेस करूँगी। और प्रेस करने के बाद आप इसको देख सकते हैं ये कैसे आया। आप देख सकते हैं कहीं कहीं पे प्रिंट नहीं आया है, ठीक है। और उसके लिए फिर आप अगेन क्या करोगे, वहीं पे आप फिर से इंक लगाओगे अच्छे से और फिर हम इसको अच्छे से इंक लगाने के बाद फिर वहीं पे प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद आप देख सकते हो कि आपकी जो पेंटिंग है वो बहुत अच्छे से निकल के आई है। मैंने इस प्रोसेस को यूज़ करके बहुत ही सुंदर सी वॉली आर्ट बनाई है जो कि आप देख सकते हैं। मैंने बार बार इस टेक्निक को यूज़ करके जहाँ पे मुझे जो इमेज चाहिए थी मैंने वो बनाई और इस तरीके से मेरी पूरी पेंटिंग कंप्लीट हो गई, आप देख सकते हैं। नाउ अब मैं इस पे एक बॉर्डर बनाऊंगी। आप देख सकते हो कि आपकी पेंटिंग कितनी सुंदर लग रही है। Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe my channel.